ज्वालामुखी ब्राह्मण सभा ने परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में 19 बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार करवाएंगे। ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, वाइस चेयरमैन ब्राह्मण सभा डिंपल शर्मा, संदीप छोटेलाल, बस सदस्यों घनश्याम शर्मा, किशन शास्त्री, प्रकाश शर्मा, प्रवीण शास्त्री, अश्विनी दत्त ने सामूहिक रूप से परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के पावन पर्व के अवसर पर धूमधाम से भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों अन्य क्षेत्रों से आए हुए बच्चों को सामूहिक रूप से यज्ञोपवीत संस्कार करवाए गए। इस अवसर पर बच्चों के परिजनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ज्वालामुखी ब्राह्मण सभा ने इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। ब्राह्मण सभा राज्य सदस्य डिंपल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वालामुखी में परशुराम जयंती के अवसर पर 19 ब्राह्मणों के बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार सामूहिक रूप से डाला गया। ज्वालामुखी ब्राह्मण सभा हर वर्ष परशुराम जयंती के अवसर पर ऐसे ही आयोजन करती रहती है। इसमें ब्राह्मण परिवारों के बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार दिलवाए जाते हैं, उसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अगले साल परशुराम जयंती के अवसर पर दोगुना बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार करवाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब ब्राह्मण बताया जाए तो उनके बच्चों को शिक्षा अन्य कोई भी कार्य है उसमें उनका सहयोग दिया जाएगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए जवाब मांगे हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए इस बार लोकसभा चुनावों में अनुराग ठाकुर को कैच आउट होने की बात कही है। हमीरपुर के होटल हमीर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रामलाल ने कहा कि आज देश में कोई भी मोदी लहर नहीं है और बीजेपी के संकल्प पत्र में 5 साल पहले भी मोदी ने लोगों को छला है और अब इस बार जनता बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी में है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि आज मोदी पुराने प्रधानमंत्री को गालियां निकालने के साथ बुरा भला कहते हैं और स्वर्गीय राजीव गांधी के ऊपर की गई टिप्पणियों पर मोदी की मानसिकता का पता पूरी दुनिया को लग चुका है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर की रामलाल ठाकुर को हार का चौका लगाने वाले बयान पर रामलाल ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर इस बार कैच आउट होंगे क्योंकि अनुराग बताएं कि जम्मू में हिमाचल टीम बिना खेले ही कैप्टन बन गए थे और जम्मू में पहले गेंद पर आउट हुए थे और इस बार भी आउट होकर राजनीति से बाहर जाएंगे। रामलाल ठाकुर ने अनुराग ठाकुर से पूछा कि अनुराग बताएं कि नशों के काले कारोबार को किसने बढ़ावा दिया है। उन्होंने पूछा कि अनुराग ठाकुर बताएं कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से क्यों निकाला गया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि बानर बिहार बनाने की बात कही थी और नसबंदी केंद्र का क्या हुआ है और अब बयान देते फिर रहे हैं कि नसबंदी के बाद बंदरों की संख्या क्यों बढ़ रही, इन सब का जवाब बीजेपी को देना होगा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ऊना में 10 मई को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा है जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के तमाम आला पदाधिकारियों के साथ ऊना में बैठक करके अंतिम रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा से रैली में लोग ऊना में पहुंचेंगे। उपमंडल घर के तहत चैल चौक व गोहर में मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। ये आयोजन क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। जिला में शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत आयोजित इस जागरूकता शिविर के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को वोट के महत्व को लेकर जागरूक किया गया और आगामी 19 मई को प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनावों के दौरान 18 वर्ष की उम्र पार करने वाले सभी मतदाताओं से मत का प्रयोग करने की अपील की गई। इस अवसर पर एसटीपीओ गोहर राजेंद्र कुमार, कार्यकारी अधिकारी सीमा शर्मा ने मतदाताओं से वोट की अहमियत को पहचानने का आग्रह किया और सभी से मतदान करने की अपील की।